अरे सब अपने को घंटा खाली छुआड़ा मिल रहा है हाँ वही ना यार सी एक भी नहीं इस जर्नी के बारे में मुझे ना दो शब्दों में कहूँगा मैं कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बहुत बहुत सिंपल लाइन है कि अगर ज़िंदगी को साफ़ सुथरी जीनी है तो हम ना तूतू मेमे में पढ़े दो शब्द ये है कि बस प्यार लो और प्यार दो इसमें ज़िंदगी हम सब की बहुत खुशहाल से गुजर सकती है समीम सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है सर समीम सर का सबसे बड़ा क्रेडिट इनको इसलिए जाता है क्योंकि आज हमारे यहाँ जो कंडीशन चल रही है उस ये गलतफहमी अगर कोई इंसान आगे बढ़ के दूर कर रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने एक फरिश्ते के रूप में समीम भाई को भेजा है और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा भगवान से भी दुआ करूँगा जीसस से भी दुआ करूँगा और यही कहूँगा कि हर मज़हब में एक शमीम भाई जैसा इंसान एक फरिश्ता पैदा हो ताकि हम लोग सब बस वही वही वाली बात है बस एक दूसरे को प्यार दे और प्यार ले बस प्यार से जिए बस जिंदगी सर आज मामले में सलमान खान का वर्डिक्ट क्या कहना चाहेंगे जो वर्डिक्ट है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं सही वर्डिक्ट है गलत है सर देखिए मैं सलमान भाई के लिए दिल से दुआ कर रहा था और यही कह रहा था कि भाई ऊपर वाला उनको जो भी उनसे गलती हुई है या गलती नहीं हुई है बस ऊपर वाला उस चीज़ को माफ़ कर दे और जो भी उनके ऊपर जो भी था बस उनकी मदद ऊपर वाला करे क्योंकि सलमान भाई एक अच्छा इंसान है और उनकी जो एक सबसे अच्छी बात यह है कि उस इंसान से दूसरे का दर्द देखा नहीं जाता है तो ऐसे इंसान की हम सबको भी बहुत ज़रूरत है तो इसलिए मैं दुआ कर रहा था और कोई बात नहीं मेरा उसमें कुछ पर्सनल ये नहीं था कि सलमान भाई के लिए मैं दुआ करूँगा तो मेरे बहुत फ़ायदे होंगे नहीं बट जिन लोगों को सलमान भाई फ़ायदा पहुँचा रहे और जिन लोगों को वो पहुँचाना चाहते उसके लिए सलमान भाई का सही रहना और उनको खुश रहना बहुत ज़रूरी था शमीम सर इट इज़ इंडीड अ ग्रेट इनिशिएटिव आगे किस तरह से सपोर्ट होगा इसे आगे किस तरह से प्लान कर रहे हैं इसे आगे ले एक्चुअली आपको बता दूं कि ये जो हमारा वर्ल्ड वुमन डायस्पोरा एसोसिएशन है ये भारत के गांवों तक है और हम लोग आज पूरे देश में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश में हम लोग आज 67th वर्ल्ड वुमन डे मना रहे हैं देश के ब्लॉक ज़िला और स्टेट लेवल पर पिछले बार हमने इसको हैदराबाद में सेलिब्रेट किया था पिछले वर्ष उससे पहले हमने यहाँ पर किया था रविंद्र नाट्य मंदिर में आज हमने यहाँ किया और हम लोग इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं जैसा कि हमारे इस्माइल दरबार साहब ने कहा आपको कि दुनिया में एक मैसेज जा रहा है हम इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं और कोई कहता है ये इस्लाम का मानने वाला है किसी का मानने वाला चाहे वो किसी का मानने वाला हो वो एक कातिल है बेगुनाहों का इनोसेंट लोगों का आज लोगों ने अपनी अपनी बातें कही कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल है इतने पूरी दुनिया के इंसानों का तो मैं एक इंसानियत के दर्द को रखता हूँ यूँ तो मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ बिजनेसमैन भी हूँ बट ये एक दर्द है इंसानियत का जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा ये हम लोग माध्यम बनाते हैं अवेयरनेस की तरफ से डे टू डे डिस्कशन की तरफ से आप हमारे सबसे बड़े स्रोत सबसे बड़े माध्यम है मीडिया हमारी जो बात रहती है आपके माध्यम से हम लोग रखते हैं आज रखे आप दिखाएंगे तो एक मैसेज जाएगा आगे आएंगे हम लोग चाहते हैं कि जो भारत एक आस्था का जहाँ माँ की आँचलों के नीचे प्यार है माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग है और हम माँ की दुआओं के लेते हुए जब बम्बई दिल्ली आते हैं तो हम एक कामयाब बेटे बनते हैं भारत देश के तो ये हमारा देश दुनिया से अलग देश है मैं ये चाहता हूँ जो दुनिया इस वक्त हो रहा है कम से कम हमारे देश में ना हो इसलिए मेरी ये कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी
बहुत ही सब मंच पर बैठे और एक अच्छी बात करें, उसमें सिनेमा जगत के लोग हों, क्योंकि ये बड़े लोग होते हैं, इनको लोग जानते हैं, इनके फैंस होते हैं, इनके आमद से एक पैगाम है। आपने देखा होगा यहाँ मोस्ट प्रोबली हमने लीडर्स नहीं बुलाए जाते, हमने यहाँ पर एम्बेसडर्स बुलाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे देश हमारे इस थॉट्स के साथ हैं जो हमारे मानवता पे हम लोगों का वर्क है। तो इसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए बोस्निया के एम्बेसडर, जहाँ एग्जाम्पल में बहुत वायलेंस हुआ है, ताइवान के डिप्टी एम्बेसडर, गाम्बिया के एम्बेसडर, कौंसल जनरल ऑफ अब कई देशों के यहाँ पर आए और उन्होंने कहा मकसद है मानवता को कैसे बचाया जाए, इनोसेंट लोगों का खून ना हो, सिविलियंस नहीं मारे जाएं, पूरी दुनिया चाहे वो कोई भी कास्ट के लोग, हमारा सबसे पहला कास्ट इंसानियत का है और हम इंसान पहले बाद में किसी धर्म समूह और समाज के, तो हमारी इंसानियत का कत्ल ना हो, ये सोच है और इसका दर्द है मुझे, इसके लिए मैं ये कहूँगा। अगर आपको एक कोई ऐसा गाना डेडिकेट करना हो इस इनिशिएटिव, आपने बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया है, लेकिन ऐसा कोई एक खास गाना जो आप डेडिकेट करना चाहें, हमें अगर दो लाइन अगर सुना दे आपको ऐसा कोई खास। देखिए मेरा ही गाना सुनाता हूँ, है ना, मैं इसलिए सुनाता हूँ कि ये हम सब की आवाज़ है, मेरे अकेले की नहीं है। तो मेरा टाइटल सॉन्ग है फिल्म हम दिल दे चुके सनम का, हम दिल दे चुके सनम तेरे हम सबको एक दूसरे के लिए बोलना चाहिए कि हम